कि आज बदकिस्मती से मुहर्रम का महीना हमारे यहाँ आता है कि मेढक टर्टर करने के लिए निकल शुरू हो जाते हैं, है कि नहीं है? उसमें कुछ ज़्यादा आवाज वाले मेढक रहते हैं, है ना, ज़्यादा खतरनाक मेढक रहते हैं, और कुछ जो है उनकी आवाज़ वहीं तक रह जाती है ना, और कुछ जो कम आवाज़ वाले होते हैं बड़ी आवाज़ वालों से अपनी आवाज़ मिला देते हैं तो उनकी आवाज़ भी तेज़ हो जाया करती है। तो ऐसे ही जब मुहर्रम का महीना आता है तो इंसानी मेढक जो है ना वो भी टर्टर करना शुरू कर देते हैं, उनमें कुछ अपने लोग भी शामिल हो जाया करते हैं, है कि नहीं है? और कुछ ऐसे लोग शामिल होते हैं, अल्लाह की कसम बड़ा ताज्जुब होता है। अभी आपके एक साहब पाकिस्तान के, और मुझे बाद में लोगों ने बताया कि उनसे लोग बड़े मुतासिर हैं, वो पता नहीं कौन है, इंजीनियर मिर्जा जो है, अल्लाह की कसम अगर जिसे नाबालिग मौलवी कहें तो नाबालिग मौलवी है, नाबालिग जानते हैं ना, है कि नहीं? अगर किसी को नाबालिग मौलवी कहा जाए वो इतना बड़ा जाहिल है कि बात बुनियादी बातें, अल्लाह की कसम मुझे तो डर लग रहा है कहीं उसके ऊपर अल्लाह के रसूल की वो हदीस तो नहीं सादिक आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुस्ताखी माफ, मैं जानते हैं किसी की नाम लेकर किसी के ऊपर रद्द नहीं करता, मेरा ये मनहज नहीं, लेकिन बसा औकात इंसान का दिल क्या है वो जलता है और तक अफसोस होता है कि ऐसे वक्त में हमारे उलमा यहां मौजूद हों, ऐसे लोगों की पदीराई कैसे हो जाती है, सोचने की बात है, सोचने की बात है। तो मैं कह रहा था कि उसे ऐसी बुनियादी बातें दीन की नहीं मालूम है, अल अमान अल हफीज अल अमान, तो मैं कह रहा था कहीं उसके ऊपर अल्लाह के रसूल की वो हदीस तो नहीं सादिक आती है, आपने बयान फरमाया अखवफ मा अखाफ अला उम्मती कुल मुनाफिकिन अलीम लिसान, मुझे मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी चीज का है तो किसी चर्ब जुबान मुनाफिक से है, कि बातों का बड़ा धनी होगा, बातें बड़े अंदाज अच्छी अंदाज बयान करेगा, कि लोगों को अपने बातों में जादू कर देगा अपनी बातों से और लोग उसकी बात मानना शुरू कर देंगे। वरना कहां सहाबे किराम का मकाम और कहां बाद में आने वाला एक आदमी उनके ऊपर आवाज उठाए, और वो भी काश के इल्म हो उसे, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह की कसम कभी मैं आपके सामने तलाक का मसला उस सिलसिले में रखूंगा, उस शख्स को तो यह भी नहीं मालूम है, बड़े दावे के साथ एक बार हमने मुझे लोगों ने सुनाया कहता है कि तीन तलाक के एक होने का मसला 8 सदियों तक कोई आलिम उसका कायल नहीं रहा है, वो सबसे पहले इब्ने तैमिया कायल हुए हैं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अव्वलन तो इमाम तैमिया 8वीं सदी के हैं ही नहीं, यही नहीं उस बेचारे को मालूम है कि किस सदी के इमाम तैमिया, उनकी पैदाइश कब उनकी वफात कब, एक चीज। दूसरी चीज, इमाम तहावी रहमहुल्लाह वो कौन है, हनफी आलिम है और किस सन में है, 4वीं सदी हिजरी के हैं। इमाम इब्ने रुश्द मालिकी हैं, किस सदी के हैं, या 6वीं के हैं। इमाम इब्ने अब्दुल बर और दूसरे लोग, इन लोगों ने अपनी किताब में इमाम तहावी रहमहुल्लाह अपनी किताब शरह मआनी अल आसार अत्तलाक के बयान में नकल करते हैं, वकाल कौमुन, एक कौम ने, किसी दो चार आदमी ने नहीं, एक कौम ने यह कहा कि अगर एक मजलिस में एक लफ्ज से 3 तलाक दी जाए तो वो एक मानी जाती है। और जरा देखिए उसकी इल्मियत देखिए, उसकी जहालत देखिए, खड़े होकर लोगों के सामने क्या ऐलान करता है कि इन 800 साल तक इब्ने तैमिया के अलावा किसी और ने यह बात नहीं कही, जरा सोचने की बात है। यानी ऐसी किताब जो आमतौर पर लोगों के यहां पाई, लोगों के हाथों में है, शरह मानी अल आसार हर हनफी के मालिम के घर में मौजूद होगी, ये चीज, ये किताब हर मकतबे के अंदर मौजूद होगी, और फिर भी तो इतना बड़ा इल्मियत का दावा करने लगा, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। खैर साथियों, ये बात जिम्न